राइट डाउन दीज टू क्वेश्चंस एंड ट्राई टू डू दीज जल्दी से. व्हाट इज मोशन? व्हाट इज मोशन बेटा? एफ सेक्शन और जी सेक्शन के स्टूडेंट्स क्या मर्ज्ड है? इफ देर आर एफ सेक्शन स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड्स. एफ वाले मर्ज्ड है, ओके, हैंड्स डाउन. एंड जी जी सेक्शन, टीचर्स प्लीज चेक कि जी सेक्शन हमारे साथ ज्वाइंड नहीं है. सेवंथ जी, अगर वो ज्वाइन कर जाए तो इट वुड बी बेटर. चलिए जल्दी से. सो वी वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम स्टूडेंट सेवंथ ए हर्षदीप. हर्षदीप बेटा माइक पे आओ जल्दी से एंड टेल मी. माइक ऑन करो एंड टेल मी व्हाट इज मोशन. मोशन को कैसे डिफाइन करोगे बेटा? ऑब्जेक्ट इधर देखो. चेंज इट्स पोजीशन. विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, एक जो है हमेशा डेफिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू. एक ए जो है पहले यहाँ पे पोजीशन थी और 10 मिनट्स बाद उसकी पोजीशन यहाँ पर हो गई. दिस इज मोशन, राइट? बिल्कुल ठीक है. तो सब लिख भी लो, बैठो बेटा. वेरी गुड. चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी या ऑब्जेक्ट. चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एवरीबडी राइट डाउन. चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज मोशन. इज कॉल्ड एज मोशन. जल्दी से सेकेंड क्वेश्चन लिखिए. पर्सन ए है, लेट अस से पर्सन ए का हमने ले लिया राहुल. ऑब्जर्वर वन नाम लिख लेना, सिमरन. एंड ऑब्जर्वर टू रमनप्रीत. सो अकॉर्डिंग टू सिमरन राहुल इज एट रेस्ट, बट अकॉर्डिंग टू रमनप्रीत राहुल इज इन मोशन. एक्सप्लेन व्हाई द टू डिफरेंसेस, व्हाई द टू ऑब्जर्वेशंस. सेवंथ बी मानवी. सेवंथ बी मानवी कुछ भी हिंदी पंजाबी इंग्लिश किसी चीज में समझाओ मुझे कि कैसे ये दो ऑब्जर्वेशंस कैसे डिफरेंट है. आ जाओ आगे, आ जाओ, कॉपी छोड़ दो. पता है आंसर के नहीं? जोर से बोलो जरा. नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही. सर देखिए इनकी आवाज नहीं आ रही है, जरा इनका माइक चेक कीजिए प्लीज. चलिए ना. आई डोंट गेट इट. जरा देखो, माइक चेक करो. चलो कोई बात नहीं बेटा, बैठो आप. एक हाँ जी, अब बोलो, अब आ रही है आवाज वैसे. हाँ डू यू नो द आंसर या यू डोंट नो? नीचे करो, नीचे करो. जब नीचे होता है फिर तो आ जाती है. रख दो नीचे, पहले तो आ रही थी आवाज, अब नहीं आ रही है. चलो बैठो, मैं हम किसी और से पूछते हैं, हम किसी और से पूछते हैं. लेट्स सी. सो सेवंथ डी में दीक्षा. देखो बेटा पहले आवाज देखिए आपके माइक की. यस हाँ बोलिए. व्हाई दीज टू ऑब्जर्वेशंस? आंसर डू यू नो द आंसर और यू डोंट नो? नो. बैठो बेटा बैठो. एनीबडी हु नोज द आंसर? अच्छा बेटा अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये क्या है. लिसन टू मी फर्स्ट क्विकली है ना, एंड वेरी क्लियरली. अपने
आंखें और दिमाग खोल के बैठो, जल्दी से, जो स्टूडेंट्स मर्ज हो रहे हैं जल्दी से बैठ जाओ, न्यू कंसेप्ट इज देयर, दिस इज अ बस, यहां पे जो है ये राहुल बैठा है और यहाँ पे रमनप्रीत है और जो यहाँ खड़ी है दैट इज सिमरन। एवरीबडी लिसन, नाउ दिस बस इज मूविंग, सो प्लेस पोजीशन ऑफ बस इज चेंजिंग, पोजीशन ऑफ राहुल इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सिमरन। पहले राहुल यहां था, फिर यहां हुआ, फिर यहां हुआ, जैसे जैसे बस जा रही है राहुल की पोजीशन चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू सिमरन। सो बट अकॉर्डिंग टू रमनप्रीत राहुल अभी भी यही है, थोड़ी दूर जाएंगे तब रमनप्रीत के साथ ही बैठा है राहुल और उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रमनप्रीत चेंज नहीं हो रही है। देयरफोर अकॉर्डिंग टू रमनप्रीत राहुल इज एट रेस्ट। जिसको नहीं समझ में आया दे कैन रेज देयर हैंड। अब मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। अब हम बस में या कार में जा रहे हैं, आपके पापा या आपकी मम्मा ड्राइव कर रही है, तो यू आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ड्राइवर, बट यू आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ट्री प्लांटेड ऑन द साइड्स ऑफ द रोड, क्योंकि ट्री के विद रिस्पेक्ट टू आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, बट विद रिस्पेक्ट टू द ड्राइवर योर पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, देयरफोर यू आर एट रेस्ट, राइट? सो यू राइट डाउन, समझ में आई? Those who have understood this concept, raise your hands. This is called as relative motion. ठीक है? तो यहां पे लिखिए, according to, हमने नाम लिख लिया है, according to Simran, Rahul is in motion. Yes, Rahul is in motion. Because लिख लो बेटा, सेवंथ ई क्वेश्चन आना है ये, गर्ल्स बाहर मत देखो, ध्यान से स्क्रीन पे इधर, राहुल इज इन मोशन बिकॉज राहुल इज सिटिंग इन अ मूविंग बस। ये बना लेना डायग्राम, राहुल इज सिटिंग इन अ मूविंग बस एंड सिमरन इज स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, सिमरन इज स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। फुल स्टॉप। द पोजिशन ऑफ राहुल इज चेंजिंग, हम मोशन क्या कहते हैं, चेंज इन पोजिशन, द पोजिशन ऑफ राहुल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू सिमरन। विद रिस्पेक्ट टू सिमरन। सेकेंड पॉइंट आइए, बिकॉज रमनप्रीत, ब्रैकेट में लिख लो ऑब्जर्वर टू, बिकॉज रमनप्रीत ऑब्जर्वर टू इज अ सिटिंग अलोंग विद राहुल, इज सिटिंग अलोंग विद राहुल इन द मूविंग बस, इन द मूविंग बस कॉमा देयरफोर द पोजीशन ऑफ राहुल इज नॉट चेंजिंग, पोजीशन ऑफ राहुल इज
नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रमनप्रीत, विद रिस्पेक्ट टू रमनप्रीत, दस दस राहुल इज एट रेस्ट, राहुल इज एट रेस्ट अकॉर्डिंग टू रमनप्रीत। अब मुझे एक और बात बताइए, दिस इज अ स्विंग, दीज आर द पोल्स, दिस इज द स्विंग, पोल्स आर फिक्स्ड, सोच के देखना है, फिक्स्ड पोल्स ये भी ये भी, एंड दिस इज यू नो लेट अस से इसका नाम हम रख लेते हैं माधुरी, माधुरी इज टेकिंग स्विंग, है ना, वो झूला झूल रही है। सो नाउ यू हैव टू टेल मी इज माधुरी रेस्ट और मोशन। विद रिस्पेक्ट टू स्विंग एंड सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू पोल्स ऑफ द स्विंग, हमने इसको स्विंग कह दिया, जहां जहां स्विंग जा रहा है माधुरी भी साथ साथ जा रही है, राइट, बट पोल्स वहीं पे खड़े हैं। सो नाउ यू हैव टू टेल मी इज माधुरी एट रेस्ट और इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू स्विंग, इसके रिस्पेक्ट टू, ये स्विंग है ये जिस पे बैठी है वो, एंड विद रिस्पेक्ट टू पोल्स ऑफ द स्विंग। सेवंथ सी गुरली, पहले सेवंथ सी वाले माइक ऑन करके देखें, सर आपकी आवाज आ रही है, से हेलो, चलिए कोई बात नहीं, गुरलीन आ जाओ और मुझे ये बताना है रेस्ट का है फर्स्ट और मोशन का है टू साइन, अगर रेस्ट में है तो वन फिंगर, मोशन में है तो टू फिंगर, इफ गुरलीन इज नॉट देयर देन अनमोल, सेवंथ सी गुरलीन और अनमोल। अच्छा आवाज भी आ गई है आपकी, हाँ बोलिए, आंसर आता है जल्दी से आओ बेटा, गुरलीन और अनमोल, आओ जल्दी से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, अनमोल इज कमिंग, वेरी गुड अनमोल, कम गुरलीन आप भी आ जाओ अगर है तो, हाँ जल्दी से बताओ ये वाला क्वेश्चन बताओ, विद रिस्पेक्ट टू स्विंग इज द माधुरी एट रेस्ट और इन मोशन, मैम रेस्ट पे है, वेरी गुड, इट इज शी इज एट रेस्ट बिकॉज वेयर द स्विंग इज गोइंग माधुरी इज ऑल्सो मूविंग विद द स्विंग। बैठो बेटा नेक्स्ट आ जाइए जी, सेवंथ डी में से दृष्टि, सेवंथ डी दृष्टि, जल्दी से आओ जल्दी से, माइक ऑन करो बेटा, हाँ जल्दी से मुझे बताओ, विद रिस्पेक्ट टू पोल्स माधुरी रेस्ट पे है कि मोशन में है, पोल्स ये खड़े हैं मोशन पोर्शन में है क्योंकि पोल्स तो खड़े हैं, माधुरी इधर उधर मूव कर रही है, तो पोजीशन ऑफ माधुरी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू पोल्स, वेरी गुड, सो इन मोशन,
वेरी गुड, आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। चलिए जी, राइट डाउन जल्दी से, ये तो इजी से क्वेश्चंस है, फटाफट से, बट सच क्वेश्चंस कम इन द एग्जाम। बेटा सेवंथ एफ गुरजोत, सेवंथ एफ गुरजोत, हाँ जी आ जाओ बेटा। नाउ टेल मी डिफरेंस इन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ ऑन करो। हाँ व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, आप मुझे ये बता दो। मैम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद मूविंग रिस्पेक्ट टू टाइम, विद, हाँ रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो तो है ही है, वो तो मोशन का आ गया। यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, सेम। हाँ बोलो। मैम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद रिस बेटा जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है विद सेम स्पीड, उसकी स्पीड लेट अस से 5 किलोमीटर पर आ रहा है, तो बस इसी स्पीड पे ही मूव कर रहा है, दैट इज यूनिफॉर्म। बैठो बेटा, ये क्वेश्चन, व्हाट इज मोशन, गिव डिफरेंसेस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इज When an object, लिख लो और याद भी रखना है और समझना भी है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है, एक तो यूनिफॉर्म आप स्कूल में डाल के होती हो, और दूसरा होता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म शेड्यूल है आपका, कि रोज फर्स्ट पीरियड की बेल बजती है, फिर सेकंड पीरियड में बैठते हो, थर्ड में, फोर्थ में, तो दिस इज यूनिफॉर्म। ठीक है, हर क्लास जो है आपकी 35 या 40 मिनट्स की है यूनिफॉर्म। एक क्लास आपकी 1 आवर की होगी, दूसरी क्लास 2 आवर्स की होगी, थर्ड क्लास 10 मिनट्स की होगी, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, कोई सीक्वेंस नहीं है, राइट? अगर कोई चीज सेम रहती है दैट इज यूनिफॉर्म। सो व्हेन अ बॉडी, राइट डाउन, व्हेन अ बॉडी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मीन जो चेंज नहीं हो रही है, कॉन्स्टेंट स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म। और हमेशा दो कॉलम्स में लिखना है, पैराग्राफ टाइप नहीं लिखना है जब डिफरेंसेस आए, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बाकी सब ठीक है, लास्ट में विद चेंजिंग स्पीड When an object moves in a straight line with changing speed is called as non-uniform motion. आपने पूरा लिखना है मेरी तरह से, एनयूएम नहीं लिख देना, मुझसे पूछोगी मैं भी नहीं बता पाऊंगी क्या, ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ टेल मी, नाउ टेल मी, यू आर गोइंग यू नो इन ए बिजी मार्केट, बहुत सारा रश है वहां पे, और आप साइकिल लेकर जा रहे हो, सीधी मार्केट है, विल योर मोशन बी यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, टेल मी, जोर से बोलो सारे। बिजी रोड है, बहुत सारे लोग पैदल मूव कर रहे हैं, कोई स्कूटर जा रहा है, कोई ऑटो जा रहा है, कुछ जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म योर मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म, कहीं आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी, सामने कोई आ गया और थोड़ी सी जगह खाली मिली तो आप तेज हो गए, और फिर आगे भीड़ आ गई, फिर आपको इधर को जाना पड़ा, फिर स्लो कर ली, कई बार आपको साइकिल से उतर के पैदल निकलना पड़ेगा, सो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन।
और किसी अमेरिकन हाईवे पे जा रहे हो, हमारे हाईवे तो आजकल बहुत बिजी है, अमेरिकन हाईवे पे जा रहे हो और आपने स्पीड सेट कर ली है 110 किलोमीटर पर आवर, है ना, और सीधा चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो कई किलोमीटर, सो विल योर मोशन बी यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, एवरीबडी शुड, है ना, और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, सो राइट डाउन वन क्वेश्चन. अ पर्सन मनवीर मूविंग ऑन द स्कूटर इन ए वेरी क्राउडेड मार्केट. इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इन ए वेरी क्राउडेड मार्केट. विल हर मोशन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? विल नॉन बी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म. विल हर मोशन बी यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? आंसर इज नॉन यूनिफॉर्म. सेकेंड क्वेश्चन लिखिए. सर्वप्रीत हैज टेकन अ न्यू कार, हैज टेकन अ न्यू कार एंड इज ड्राइविंग ऑन ए लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे. ऑन ए लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे विच इज वेरी ब्रॉड, 8 लेन्स है, विच इज वेरी ब्रॉड एंड नॉट क्राउडेड, एंड नॉट क्राउडेड. सर्वप्रीत ने नई कार ली, सर्वप्रीत हैड बॉट अ न्यू कार, ही इज ड्राइविंग ऑन द हाईवे, ब्रॉड हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. अब सेवंथ सी वाले बताएंगे, विल द मोशन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? सेवंथ सी, विल द मोशन बी यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? अगर आवाज नहीं आ रही है तो ये यूनिफॉर्म और ये नॉन यूनिफॉर्म, टेल मी विद योर फिंगर्स एवरीबडी, इट विल बी यूनिफॉर्म, वेरी गुड, यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है जी, नेक्स्ट. डिस्टेंस हाँ, अब आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, पहले ये लिखे, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन यूनिट्स. सेवंथ डी, सेवंथ डी, करमप्रीत एंड जसकरण टू, करमप्रीत एंड जसकरण टू, आ जाओ जल्दी से आ जाओ. और बेटा करमप्रीत के पीछे जो गर्ल है वो भी आ जाए. आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से, कम क्विकली बेटा, है ही कुछ नहीं, माइक ऑन करो बच्चे और मुझे बताओ, व्हाट इज द यूनिट इन विच डिस्टेंस इज मेजर्ड? हाँ, मैं मीटर मीटर्स में मेनली, किलोमीटर्स भी हम लिख सकते हैं, एसआई यूनिट अगर कहें तो मीटर्स में. नेक्स्ट स्टूडेंट, टाइम इज मेजर्ड इन यूनिट्स. सेकंड सेकेंड्स, बेटा आपको पता होना चाहिए, बच्चों से नहीं सुनना. नेक्स्ट बैठो, नेक्स्ट गर्ल, स्पीड इज मेजर्ड इन यूनिट्स, कोई और नहीं बोलेगा, ओनली शी विल टेल. हाँ, मीटर पर सेकंड वेरी गुड, मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड, ठीक है, बैठो बेटा. नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से. इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, सेवंथ जी में से बेविश एंड रेशम, बेविश एंड रेशम, सेवंथ जी, हां जी बेटा, स्टूडेंट
किससे? आपकी कार में इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, क्या नाम है उनका? स्पीड इज मेजर्ड बाय, वेरी स्पीडोमीटर। गुड. नेक्स्ट स्टूडेंट, डिस्टेंस. हाँ जी बेटा बोलो. डिस्टेंस किससे? कार में कौन सा एक लगा होता है इंस्ट्रूमेंट जिससे डिस्टेंस, माइक ऑन करो. हाँ नहीं पता? यस, हु कैन टेल? जल्दी से, सेवंथ बी में से एक बच्चे का. आप खड़े रहना यहीं पे बेटा, सेवंथ बी में. यस, फर्स्ट स्टूडेंट कम क्विकली. आ जाओ बीच में, जो है मिडल रो, आओ आओ, जो खड़ा हो रहा था स्टूडेंट, क्विकली कम. हाँ दोबारा से. हाँ बोलो बोलो. ओडोमीटर, राइट. बैठो बेटा. सो इट इज ओडोमीटर. ठीक है, समझ में आई सबको? और ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में बहुत कॉमन है, डिस्टेंसेस. क्योंकि स्पीडोमीटर सबको पता होता है, इसलिए टीचर ज्यादा डिस्टेंस का डाल देती है, बट वहां देखना है. इट इज ओडोमीटर, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर. हाउ टाइम वॉज मेजर्ड वेन देयर वर नो क्लॉक्स? क्वेश्चन लिखो जल्दी से. सेवंथ ई में से अब मैंने पूछना है इशिका से. इशिका आ जाओ. इशिका क्वेश्चन लिख लो. व्हेन, हाउ टाइम वाज मेजर्ड व्हेन देयर वर नो क्लॉक्स? सनडायल, सैंड क्लॉक, सनडायल। बिल्कुल ठीक है. बैठो बेटा. सनडायल, सैंड क्लॉक्स एंड वाटर क्लॉक्स. सनडायल, सैंड क्लॉक्स एंड वॉटर क्लॉक्स. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट. इन टाइम ड्यूरेशन बिटवीन दिस, हाउ मेनी सेकेंड्स विल बी देयर? जल्दी से, क्विकली डू दिस. बातें नहीं, बातें नहीं, लिखो फटाफट से. दोनों क्वेश्चन लिखो फटाफट. डाउन द क्वेश्चन क्विक. 2700 सेकेंड्स। अभी हम देखते हैं, अभी हम कैलकुलेट, अभी हम करेंगे किससे को बुलाते हैं. 2700 बोल तो दिया, आई डोंट नो कितने हैं कितने नहीं, बट लेट्स सी. और कैसे कैलकुलेट किया ये भी बताना पड़ेगा. सेवंथ जी में से सर्वप्रीत, सरप्रीत इज देयर. हाँ जी सरप्रीत. बेटा बताओ, पहले ये वाला आंसर बताओ. आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे. चलो आप बैठो, आपकी क्लास में से मुझे आवाज नहीं आ रही, आप बैठो बेटा, फिर हम देखते हैं. देन सेवंथ सी जसदीप, सेवंथ सी जसदीप. हाँ जी बेटा बताओ कैसे करेंगे. 2:15 to 3 AM.
कितने मिनट्स हुए पहले मुझे बताओ? 60 मिनट्स हुए। देखो बेटा, ये वॉच है आपकी, ये क्लॉक फोर्टी है, इट इज 45 मिनट्स। और इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा? किससे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे? 60। 60 से। वेरी गुड, बैठो बेटा, बाकी तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे। इस 45 मिनट्स इंटू 60 कितना हो गया? 0 6 5 30, 3 6 4 24, 2700 सेकेंड्स। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। सेवंथ डी जसकरण टू सेवंथ डी। हाँ जी बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कौन सा ग्राफ होता है? लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, क्या होता है? लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ, बिल्कुल ठीक है, दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। बैठो बेटा, लाइन ग्राफ होते हैं, बैठो बच्चे, लाइन ग्राफ है ऐसे, जिसको नहीं पता वो बना लेना है। पाई चार्ट इस तरह से ऐसे करके सेक्टर्स बन जाते हैं, और बार ग्राफ होता है इस तरह से। सो आंसर इज लाइन ग्राफ। लिख लो, ये है लाइन ग्राफ, ये है पाई चार्ट, और ये है बार ग्राफ। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा। व्हाट डज, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डज द फॉलोइंग ग्राफ्स शो? चूज फ्रॉम, इसमें से चूज करके आपको बताना है, रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपने बताना है बेटा कि विच ग्राफ शोज द बॉडी इज एट रेस्ट, विच इज इन यूनिफॉर्म मोशन, विच इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम, और ये ग्राफ है। ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। सेवंथ ई, मनवीर एंड ज्ञानशु, मनवीर एंड ज्ञानशु, और मनवीर के साथ जो बैठा है वो भी आ जाए, साथ ही आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नाउ टेल मी,
वट डज दिस ग्राफ वन शोज? इन तीन में से आपको बताना है बेटा, चूज फ्रॉम दीज, राइट? सो टेल मी, हाँ जी बोलो। व्हाट डज, ये बॉडी रेस्ट में है कि यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। वेरी गुड, बट क्वेश्चन समझना है बेटा, यहाँ तो मैंने हिंदी में बता दिया, यू हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। दिस इज एब्सोल्यूटली राइट, इट शोज, लिखो इट शोज, सबने लिखना है, इट शोज दैट बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड बताइए बेटा, व्हाट डज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट? बॉडी इज एट रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन? रेस्ट। इज एट रेस्ट, वेरी गुड वेरी गुड, बिकॉज डिस्टेंस उतने ही डिस्टेंस पे पड़ी है ओरिजिन से, और टाइम बढ़ता जा रहा है, बॉडी का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, एंड यहाँ पे कभी ज्यादा है कभी कम है कभी ज्यादा, सो दिस इज, यस टेल मी द थर्ड स्टूडेंट, यस नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज द कॉमन क्वेश्चन इन एमसीक्यू। ग्राफ्स दिए होंगे, विच ऑफ द ग्राफ शोज दैट बॉडी इज एट रेस्ट, विच ऑफ द ग्राफ शोज दैट बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, विच ऑफ द ग्राफ शोज बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन? ठीक है जी, नेक्स्ट। बनाते चलो मेरे साथ, दिस इज डिस्टेंस इन मीटर्स, टाइम इन सेकेंड्स। ये ग्राफ है एंड यू हैव टू टेल मी स्पीड ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट एट 20 सेकेंड्स। जल्दी से देखें आपको आता है कि नहीं, और मैं आपको, आपको भी आता होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, एंड रिमेंबर दैट द आंसर विदाउट यूनिट्स इज ए रॉन्ग आंसर। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड अगर नहीं लिखेंगे तो आंसर गलत होगा। सेवंथ बी में से, बट बी का हमें वॉल्यूम नहीं आती है, सो सेवंथ ए में से मुझे सुमित ने आंसर देना है। सुमित इज देयर, सेवंथ ए, आ जाओ, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। यस बताइए,
डिस्टेंस कितना है, टाइम आपको पता है 20 सेकेंड्स, व्हाट इज द डिस्टेंस? बेटा ग्राफ देखो, ग्राफ में आपको नजर आ रहा है, हाँ 20 मीटर्स. कितने बेटे? 20 मीटर्स 20 सेकेंड्स पे, 20 मीटर्स, और कितना आ गया बेटा? आंसर बोलो। 1 मीटर. आगे आगे, सेकेंड. यस एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, बैठो बेटा। ठीक है जी, आई थिंक एवरीबडी हैज डन दिस। वन मोर क्वेश्चन एंड दैट विल बी द लास्ट। जब हम कहते हैं मेरी स्पीड तेज है तेरे से, है ना, मैं फास्ट हूं, क्या मतलब है? क्या ज्यादा है मेरी डिस्टेंस? ज्यादा है टाइम, ज्यादा है कि स्पीड ज्यादा है? यू हैव टू फाइंड। जब भी हम फास्ट स्लो की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? सेवंथ एफ जगदीश, जगदीश नहीं दिवांश आ जाए, सेवंथ एफ दिवांश, वेयर इज दिवांश? हां जी बेटा बताओ क्या निकालेंगे, पहले हम कैसे कंपैरिजन करेंगे? ऑन करो माइक, ऑन करो, हाँ बोलो, कैसे कैसे बताएंगे कि हु इज फास्टर? कंपैरिजन किस चीज का कंपेयर करेंगे, किस चीज का? डिस्टेंस का, टाइम का, कि स्पीड का? टाइम करके का बेटा, यहाँ डिस्टेंस अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है, कैसे पता चलेगा भी कौन फास्ट है? डिस्टेंस. स्पीड बेटा, स्पीड हम कहते हैं, तुम कहते नहीं मेरी स्पीड तेरे से ज्यादा है कि नहीं? कैसे पता चला कि तुम तेज भागे जब आपकी स्पीड ज्यादा हो? क्वेश्चन आना है, स्टार डालो इस पे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अब मुझे बताओ बेटा दिवांश, तो हमने इसकी स्पीड निकाली, तो जरा जल्दी से ओरली मुझे बता दो, क्योंकि ज्यादा नहीं है, बस मुझे बताओ अभय की स्पीड कितनी है? अबे अभय की क्या फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम, बताओ आप। की कोई और सिक्सटी नहीं बताएगा? हाँ हाँ दोबारा से बोलो, क्या डिवाइडेड बाय 10. आएगा? 60 डिवाइडेड बाय 10 का क्या मतलब है? ओवरऑल बताओ। डिस्टेंस ओवर टाइम. वो तो आपने बता दिया 60 ओवर 10, आंसर बताओ इसका। 6 मीटर पर सेकेंड. और दूसरा बताओ, ये फटाफट इसको बताने देना बेटा, कोई और नहीं बताएगा, जल्दी से ओरली बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कितनी स्पीड है? 5 मीटर पर सेकेंड. वेरी गुड, तो बताओ कौन फास्टर है? अभी अबे इज फास्टर, क्या ये क्वेश्चन जरूर आएगा, लिखो, किसी और फॉर्म में आ सकता है। बैठो बेटा दिवांश, बैठो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट,
जब भी हमने फास्ट एंड स्लो की बात करनी है तो हमने क्या देखना है, स्पीड देखनी है। ओके ठीक है, आज के लिए, टुमारो वी विल कंटिन्यू सेम, और साथ में हम ट्रांसपोर्टेशन की भी रिवीजन करेंगे। इज इट ओके? तो ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट का डायग्राम आपने करके आना है, राइट? ओके बेटा, ठीक है जी, चलिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू टीचर्स, बाय मैम। बाय बेटा, बाय बाय।